वर्ल्ड। अगर आप मोबाइल फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो चले आइए सेल वर्ल्ड की शोरूम में। यहाँ पर सारे ब्रांडेड मोबाइल CDMA4 और एडिशनल एक्सेसरी दस्तियाब। मोबाइल फोन की दुनिया में भरोसेमंद नाम सेल वर्ल्ड, द मोस्ट ट्रस्टेड नेम इन मोबाइल फोन सिंस 1999 एट योर सर्विस। सेल वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4K न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। खबर है छतरी नाका PS हदूद की, जहां एक नाबालिग लड़की हुई दिन दहाड़े गायब। मां ने बड़ी अफसोस के साथ तफसीलात सुनाई और कहा कि इस्माइल खान नामी शख्स पर शक है। 22 दिसंबर से लड़की घर से लापता है और घर वालों ने DCP ऑफिस से रुजू होकर कार्रवाई पर जोर डाला। आइए देखते हैं 4K न्यूज़ की ये खुसूसी खबर। अच्छा बेटे, हम लोग कश्मीरी है, देखो आप लोगों को पता होगा, ये हमारी बच्ची 22 तारीख से गायब है। बच्ची दुकान मेडिकल पे जाती बोल के गई थी, यहाँ से गायब हो गई। हम लोग 23 को हम लोग फलखमा स्टेशन एक ग्लैमर फार्मर पे, कश्मीरी है हम लोग, कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के लोग हैं हम लोग, श्रीनगर के। यहाँ से आए हम लोग पेट पालने के लिए। यहाँ आने के बाद में हमारी बच्ची को दुर्दाना होटल से मेडिकल से गायब कर दिए। पता नहीं कहाँ से गायब कर दिए, नहीं मालूम आयु साहब। हम ऊपर से हम लोग 22 को हम लोग गए ढूंढने की कोशिश करे, 22 पूरी चले गई। तो हम लोग 23 को हम लोग जाके केस करे, रिपोर्ट दर्जाए करे। इसके बाद में लड़के का नाम है इस्माइल, इसके ऊपर हमारे को शक गया। तो इसका यही लड़का शाहीनगर का है, ये लड़के की माँ को भी उठा के लेके आए। तो ये लोग हमारे को खाली घुमा रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं हमारे ऊपर। कश्मीरी लड़की है, नाबालिग लड़की है, ये लड़की बालिग लड़की नहीं है। जो बालिग लड़की है, मेरे बाजू में ठहरी हुई है लड़की है, आप देख सकते हैं। मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ, मैं एक बम ब्लास्ट से चली हुई एक माँ हूँ मैं। आप लोग भी हमारे दिन इस्लाम है। ये मेरी बेटी है, ये बड़ी बेटी है मेरी, ये बेटी इसके बाद की छोटी थी जी, छोटी मंझली बेटी। इसके बाद में लड़का है मेरा, छोटा लड़का है, लड़का भी जी, हाँ, जिसे किसके ऊपर शक था, इसका नाम दे दी मैं, इसका रिपोर्ट भी दे दी मैं, इस्माइल नाम। अब हम छतरी नाके PS पे गए थे तो जी DCP ऑफिस इसलिए आए, ये लोग यहाँ आने के बाद में सुबह शाम मतलब फिरा रहे हैं, 6 बजे और 4 बजे और 5 बजे आ रहे हैं। इनका घर मालूम होने के बाद में भी इन लोग जाके कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे को चलो पड़े साथ में, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैं नहीं चल पा रही हूँ। मैं इनको मालूम रख कर भी नहीं मतलब एक्शन नहीं ले रहे, इसलिए हमको ये DCP साहब के पास आना पड़ा मजबूरन हमारी बच्ची के लिए। हमको लड़के इस्माइल के ऊपर शक है, जो शाहीनगर का है रहने वाला। पहले से दो बीवी वाला है, दो शादी वाला है, पहले से किडनैप कर लिया, आधार कार्ड के जरिए से किडनैप कर दिया लड़की को। हम इतना चाह रहे हैं हमारी बच्ची को जैसा लेके गए ऐसा हमारी बच्ची को लेके आके दे दीजिए। हमको अपनी दौलत दाना, हमारी औलाद होना, हमको औलाद से, हम इस्लाम है, मुसलमान है, जहाँ भी है हमारी बच्ची सही सलामत चले गई, हमारी बच्ची सही सलामत, हमारी बच्ची को लेके आके दे देना। आपकी मेहरबानी होगी बेटे, आप लोगों की हर न्यूज़ में फैला दो, हर चैनल पर फैला दो, हर ट्यूब पर फैला दो, मोबाइल में फैला दो, जहाँ जहाँ ये लड़का दिख रहा है इस्माइल खान को पकड़ के लाइजिए, इसको लाकर सेंट्रल जेल भर दीजिए। कश्मीरी बच्ची को पकड़ के लेके गए यहाँ से, क्योंकि ऑल इंडिया में दे दीजिए, क्योंकि आपको यकीन नहीं आ रहा होगा 370 धारा यहाँ नहीं हटी। अभी मोदी सरकार हटाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी नहीं हटी यहाँ पर, अब हटाने की कोशिश कर रहे हैं ना, अभी तो हटी नहीं, तो अभी से बच्ची के ऊपर हमला बल के डाल दिए। बच्ची ना बालिंग है, इन्हें पहले दो बीवी आला है, दो बीवी बेच के खा लिया इन्हें, अब दोबारा मेरी बच्ची पर। बच्ची अपनी मर्जी से नहीं गई जी, नहीं अपनी मर्जी से नहीं गई। बच्ची को पता नहीं क्या करे क्या नहीं, ये दिमाग पागल होगा, आधार कार्ड के जरिए इसको इस्तेमाल करे बच्ची को। अभी इस बात की कंप्लेंट करे आप लोग जी, कंप्लेंट करे थे हम लोग कंप्लेंट करे थे, एक्शन नहीं ले रहे हैं छतरी नाका PS। तो सर DCP ऑफिस आया? हाँ, सीधा DCP ऑफिस आए, यहाँ आप देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, कंप्लेंट हम लोग करे नाजिया बानो, नाम नहीं बोल सकती ना। हम लोग यहाँ पे साल में एक दफ़ा आते हैं, हमारी बेटी क्या, आपकी बेटी क्या, हमारी बहन क्या, आपकी बहन क्या, हम भी मुसलमान हैं, आप लोग भी मुसलमान हैं, हम लोग कश्मीरी लोग हैं। यहाँ पे फलकमा पे 1000 कैंप है, हमारी कश्मीरी लड़की को आधार कार्ड पे इस्तेमाल करें,
किडनैप कर दिए। लड़के का नाम भी पता है, और लड़के का नाम इस्माइल है। दो बीवियां ऑलरेडी दो शादी कर लिया उसने। एक एक लड़की को लाता है, शादी करता है, तलाक देता दे देता है। उसकी माँ दलाल है, शाहनगर की है, दलाल है। जो जो बेवकूल आती है बेचती है, बालकास में बेचती है, उसका पैसा लाके घर छोटे बच्चों को पालती है। ये कौन सा इंसाफ हो गया? ये कौन सा कानून है? हमारे जो मुसलमान के साथ साथ नहीं देते, क्या साथ ना हमारा साथ नहीं दे रहे? पैसा ले सुबह शाम हम लोग भूखे प्यासे हमें पेट जाके पेट को चिपक गया, चक्कर आ जा रहे, चलते चलते हमारे पैर के चपड़ा घसे गए। हम लोग क्या करेंगे? हम भी मुसलमान है, हम लोग पेट के खतरे हैं। यहाँ पे हमारी बेटी को गायब कर दिया, हमारी बहन को कैसे किडनैप कर दिया? नाबालिग लड़की है वो, और बच्ची का दिमाग थोड़ा मेंटल है, दिमाग से निकल गए बच्चे। हमारी बच्ची को ला के दे दो। आप भी हमारे मुसलमान हो, जो भाई भी न्यूज देखे कोई साल उसी ने फोन कर दो भाई बने आपको लाख लाख शुक्रिया। अगर कोई लाज वाले भी लाज में भी हो गए तो लाज वाले ही फोन करना, सीधा थाने में फोन कर देना। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। हमारे कैब में ना तो बहुत छाती ना के मैं गए ना भी कोई एक्शन नहीं लिए, खाली फिरा रहे सुबह शाम बोल के। हम लोग बहुत थक गए, हमको भी कितनी में पता रहे। डीपी साहब पे हमने उनको सबको बोल दिया, उन्होंने बोल दिया ना पे रिपोर्ट भेज दिया, ना पे जाके बात करो बोले छाती ना का बोले। हमारी कश्मीरी बच्ची को हमको ला के दे दो, हमको खुश नहीं पा खुश बात नहीं है। अगर बच्चे निकाह भी पड़क है हम हमारी लड़की को लड़की ना यहाँ पे दे देना ले। 370 धारा अभी नहीं हटा अभी हटाने वाले थे, नहीं हमारी बच्चों को देंगे।